नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को, और मैं निकुंज राठी आपके अपने YouTube चैनल किसान चेतना YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो किसान भाइयों, आज हम अपने ही खेत में पहुँचे हैं और लगभग 3 दिन से बारिश हो रही है, और आप देख ही सकते हो ये सरसों की कटाई की कराई थी, और जिस दिन से कटाई कराई है उस दिन से ही बारिश पड़ रही है। देखो सरसों का क्या हाल हो चुका है, आप देख ही सकते हो। लगभग 3 दिन से भारी बारिश पड़ रही है, खेतों में पानी भरा हुआ है, देख ही सकते हो आप। मैं सुबह सुबह खेत में आया हुआ हूँ और देख ही सकते हो आप। बताओ ये क्या सरसों होगी, देख ही सकते हो, जिसकी कटाई के बाद बस 18 तारीख में इसकी कटाई हुई थी, और 18 तारीख से ही बारिश पड़ रही है, रात को 18 तारीख से, और बहुत ही बारिश पड़ रही है ज़्यादा। लगभग 3 दिन से ऐसी बारिश पड़ रही है कि हर चीज़ को नुकसान दिया है। सबसे पहले तो हमारे गेहूं की फसल को भी बहुत नुकसान दे रही है ये बारिश, और गन्ने की फसल को तो बहुत ही नुकसान दे रही है। जिस भी किसान भाई का गन्ने की बुआई नहीं हुई थी और उसको उसने पलेवा कर दिया था, तो बहुत ही दिक्कत है। अब पलेवा सूखने में टाइम लगेगा। लगभग जैसी बारिश पड़ रही है, लगभग 15 अप्रैल से पहले गन्ना की बुआई नहीं हो पाएगी अब जा। और मैं आपको उधर भी लेकर चलूँगा, पहले मैं आपको सरसों का खेत दिखा रहा हूँ। देखो ये क्या सरसों होगी, आप देख ही सकते हो। देखो सब में पानी ही भरा हुआ है, और किसान साथियों लगभग 3 दिन पहले इतना अच्छा लग रहा था, सरसों की गवाही करवाते इसकी, और ये तहस नहस हो गई सब। अब ये सूखेगी इतना, इसमें बढ़िया फल भी नहीं रहेगा इतना, कुछ तो झड़ी जाएगी नीचे, ये सूखने में भी टाइम लगेगा। आप देख ही सकते हो कितनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। तो किसान साथियों चलते हैं उधर की ओर, और उधर जो आपको गेहूं की फसल और गन्ने की फसल दिखाने चाहूँगा आपको। पानी आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा भरा हुआ है। साथियों अब जहाँ हम जहाँ हमारे गन्ने की बुआई होनी थी वहाँ पहुँच चुके हैं, आप देख ही सकते हो कितना जल भराव हुआ है। लगभग 3 दिन से बारिश पड़ तो हो गई है, इसमें हम 15023 वैरायटी लगाने की सोच रहे थे, और आप देख ही सकते हो जल भराव कितना है। लगभग 10 10 15 दिन तो के आसपास अगर बारिश रुकी तो जब भी, वरना देख ही सकते हो आप मौसम, अब भी बारिश पड़ रही है, बूंदे थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ, और लगभग 15 दिन के आसपास तो लग ही जाएंगे इसे सूखने में, देख ही सकते हो आप। किसान साथियों ये दूसरा खेत है खिलंदर भाई जी का, और इसमें 0118 वैरायटी लगाने की सोच रहे थे, और ये भी ये हमारा खेत है, इसमें एम बी पलाव निकाला गया था, फिर इसका पलेवा किया, और आप देख ही सकते हो हालत किस तरह ख़राब हो चुकी है। और जहाँ तक 3 दिन पहले लग रहा था कि लगभग हम इसमें 20-21 तारीख के आसपास बीज भी हो गया था कि इसकी गन्ने की बुआई करेंगे, आप बताओ कैसे गन्ने की बुआई होगी। सभी किसानों का ये बारिश जहाँ सभी जगह पड़ रही है, बहुत ही दुखी हैं हर सभी किसान हमारे, कि किसी का तो पलेवा, और किसी ने जिसने भी गन्ने की बुआई कर दी थी उसमें भी दिक्कत आएगा जर्मिनेशन में। और मैं अभी वहाँ ले कर चलता हूँ आपको गेहूँ के पास, और उधर ले कर जाऊँगा जहाँ 14201 वैरायटी की बुआई की है हमारे खिलंदर भाई जी ने, उसके भी हम थोड़ा सा आपको निरीक्षण करवाएंगे। देखो कितना, ये लगभग 4 4.5 बीघा खेत है, और सारे खेत में ही कंप्यूटर लगा हुआ है, और जल भराव आप देख सकते हो कितना हो चुका है। तो चलते हैं किसान साथियों उधर जहाँ 14201 गन्ने की बुआई की थी, इसमें 0118 वैरायटी का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो संजीव भैया ने हमारी लगाई रखी है, उनसे बीज लेके इसमें बुआई करेंगे। तो अब जहाँ हम उस खेत में पहुँचे हैं जहाँ 14201 की बुआई की थी खिलंदर भाई जी ने, और मैंने भी सपोर्ट किया था, आप देख ही सकते हो। देखो कितनी बुरी हालत है खेत की, मेहड़ी भी नहीं लगाई थी, बस बुआई करके चले गए थे, और उससे अलग अगले दिन ही बारिश पड़ चुकी थी, और जल भराव आप देख ही सकते हो इस खेत में भी। जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी बहुत, 14201 नई वैरायटी लेके आए थे, और देख ही सकते हो आप जहाँ 3 दिन पहले लग रहा था कि सब कुछ ठीक है, और बारिश इतनी ज़बरदस्त पड़ी कि सब तहस नहस कर दिया, आप देख ही सकते हो। देखो कितनी बुरी हालत है, जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी इसमें, और तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिसका जमाव ठीक नहीं होता वो तो आपको पता ही है गन्ने का कैसा हो जाता है आगे जाके, पर फिर भी चलो जो भी होगा अब तो देखी जाएगी। अब तो बुआई कर दी है, जो भी थोड़ा बहुत समय लगेगा लगभग 10 15 दिन बाद ही इसका कुछ हो पाएगा। थोड़ी बहुत बारिश भी नहीं पड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश है, और आप देख ही सकते हो मौसम कितना ख़राब है। और किसान साथियों मैं अब जा तुम आपको वहाँ लेके चलता हूँ जहाँ हमने 11015 वैरायटी लगा रखी है,
और उसमें भी हमने सरसों की बुआई कर रखी थी, सरसों की इसकी कटाई कर दी थी। और आप लेके चलता हूँ अभी वहाँ पर ग्यारह आप। जीरो पंद्रह खेत में आ चुके हैं और इसमें 14201 भी लगाया पल उधर की साइड, आप देख ही सकते हो। देखो ये सरसों की कटाई करवा दी थी और बहुत ही ज़्यादा जल भराव है, आप देख ही सकते हो। इसमें मैं रूट निकलवाने की सोच रहा था और बारिश, आप देख सकते हो बारिश पड़ने लगी। फिर मैंने सोचा मगा एक दो चार दिन में, अब तो इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है, 10 10 12 दिन में भी निकल जाए रोटरी तो बहुत अच्छी बात रहेगी, और फिर इसकी नलाई कराई जाएगी। और एक जानकारी और दे दूँ किसान साथियों, जो भी हम किसान साथियों ने गेहूँ की बुआई की थी और जिन्होंने लेट गेहूँ की बुआई की थी, उन गेहूँ पे ज़्यादा प्रभाव नहीं आया है। अगर ज़्यादा हवा चल जाएगी तो प्रभाव आ जाएगा, वो गिर जाएंगे और गिरने के बाद चूहा लग जाएगा गेहूँ में भी, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो किसान साथियों, आपके यहाँ कैसी बारिश पड़ी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सभी को पता है किसान साथियों कितना नुकसान हो चुका है। तो किसान साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये ज़रूर बताएं कि आपके यहाँ बारिश कैसी हुई है। तो किसान साथियों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार, राम राम, धन्यवाद।